तो रिव्यू करेंगे इस वीडियो में लायोफेल एक्सेल 10 एमजी कैप्सूल के बारे में कि क्या है, किस तरह से काम करता है, डोज क्या होती है, सावधानी क्या ले, साइड इफेक्ट क्या क्या कर सकता है, तो जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए लायोफेल एक्सेल 10 एमजी कैप्सूल ये एक सनफार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अंदर आता है दोस्तों बेक्लोफेन 10 मिलीग्राम है, कैप्सूल फॉर्म है, एक्सेल है, एक्स्ट्रा लॉन्ग है, काफ़ी देर तक इसका रिजल्ट रहता है, तुरंत डिसोल्व नहीं होता, तो ये सबसे अच्छी बात है इस कैप्सूल की। वैसे तो नॉर्मल भी आता है बेक्लोफेन, नॉर्मल टेबलेट में आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है, तो इसकी डोज कम लेनी पड़ती है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। कहाँ काम आता है बेक्लोफेन? दोस्तों बेक्लोफेन एक एंटी मस्कुलर सॉल्ट है। मस्कुलर के अंदर, मसल्स के अंदर जब पेन रहता है, खिंचाव रहता है, तनाव रहता है, तो वहाँ पर ये काम करता है एज ए पेन किलर। देखिए दोस्तों, कई बार रनिंग करते समय या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट्स में, मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तनाव रहता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खिंचाव सा महसूस होता है, चाहे मांसपेशियों में हो, चाहे रीढ़ की हड्डी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर नस के अंदर पेन है वहाँ पर भी काम करता है, तो एज ए पेन किलर ये काम में लिया जाता है। कुछ डिजीज है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी। इस डिजीज़ में दोस्तों बहुत ज़्यादा पेन होता है, मांसपेशियाँ अकड़ जाती है, मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, हाथ पाँव में मूवमेंट बहुत ही कम रहता है, किसी चीज़ को अगर आप पकड़ोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, व्हीलचेयर पर रहना पड़ता है, कहने का मतलब ये है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस डिजीज़ में दोस्तों इम्यून सिस्टम कई बार नुकसान करने लगता है, ऑटो इम्यून सिस्टम बन जाता है, उसमें ये मस्तिष्क की सबसे ज़्यादा नसों को ये खाता है, क्षतिग्रस्त करता है, तो मस्तिष्क पर इसका बुरा असर रहता है। तीसरा है मोटर न्यूरॉन डिजीज। इस डिजीज में दोस्तों बॉडी का हर पार्ट लकवाग्रस्त होने लगता है, धीरे धीरे करके दोस्तों पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। इस डिजीज़ में दोस्तों रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, सबसे पहले उसी की नसों में नुकसान होता है। तो काफ़ी सारी डिजीज़ में और भी काम आ सकती है। डोज की बात करें, आपको दिन में एक लेनी चाहिए, अगर आप एक्सेल में ले रहे हो तो, एक्स्ट्रा लॉन्ग में ले रहे हो तो एक बहुत होती है, अगर एक से कम असर होता है तो आप दो भी ले सकते हैं। तीन स्ट्रेंथ में दोस्तों ये आती है, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम। दोस्तों 40 मिलीग्राम भी आती है, कई कंपनी बनाती है। साइड इफेक्ट की बात करें, थोड़ी हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आ सकते हैं लेने के बाद, वोमिटिंग भी कर सकता है व्यक्ति, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है कि कब्ज की दिक्कत रहे, पेट में गैस बने, ये इसके साइड इफेक्ट है जो लगभग हर किसी को नहीं होते हैं, बहुत ही कम चांस में ही होते हैं। सावधानी इसकी यही है कि प्रेगनेंसी में हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो सेल्फ यूज इसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देते हैं। दोस्तों अगर एल्कोहल आप पीते हो तो डोज मत लीजिएगा, नुकसान करती है। कुछ मेडिसिन के साथ इसकी सावधानी है, जैसे कि नीमू स्लाइड मेडिसिन आती है, नाइस आती है डॉक्टर रेड्डी की, जिसके अंदर नीमू स्लाइड हो, कोई भी ब्रांड हो, उसके साथ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। लिथियम कार्बोनेट जो टेबलेट आती है, जैसे कि लिथोसन आती है SR सनफार्म कंपनी की, जो भी आती है लिथोसन कार्बोनेट, उसके साथ सावधानी रखनी पड़ती है। लीवर डोपा पार्किंसन डिजीज में जो दवाइयाँ चलती है, वो उसमें ये सावधानी रखनी पड़ती है। तो संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो किसी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं हो तो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।